मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और हम आ गए हैं अपने खेतों की तरफ। को नहीं पता है कि गेहूं की कटाई या हार्वेस्टिंग कैसी होती है, तो वीडियो में आप बने रहें और देखिए कैसे 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 काटा जाता है। बहुत हो रहा है 2-3 दिन से, तो सब लोग डरे हुए हैं कि बारिश हो जाएगा, फसल खराब हो जाएगी। इसके चलते सब लोग सोच रहे हैं कि जल्दी ही कटवा रहे हैं, क्योंकि ये कभी भी गाड़ी के हार्वेस्टर के आगे या पीछे आ जाता है, इससे डर बना रहता है। एक दो लोग को हरदम रहना पड़ता है जो जिसका खेत है, किसान लोग, कि कहीं कुछ हो ना जाए। अगर हो जाता है तो फिर मुआवजा देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों के इधर का थोड़ा बच्चा बहुत शैतान होता है। देख सकते हैं कि चांद दिखने लगा और सूरज इधर ढल गया है। और अभी हम लोग खेत पे हैं, हार्वेस्टर चल रहा है, 1-2 घंटे और लगेंगे पूरा काटने में गेहूं। हार्वेस्टिंग हो रहा है, इसको हार्वेस्टर हम लोग बोलते हैं, जो गेहूं को काट रहा है। आए थे 12 बजे ही, 12 बजे दिन में आए थे, लेकिन हमारा नंबर नहीं आया, और अभी जाके हम लोगों को नंबर मिला है। हम लोगों के यहाँ पे कम से कम हमारा और चाचा और बड़े पापा और छोटे बाबा का सबका मिला के 20-25 बीघा खेत है यहाँ पे। सब 8-9-10 बजे तक सारा खेत कट जाएगा यहाँ। सरकार बोल रही है कि पढ़िए पढ़िए पढ़िए, देखिए ये सब हमारे गाँव के वीर लोग हैं, बोलते हैं कि सरकार कोई व्यवस्था ही नहीं देती है। सरकार पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता, खाने पीने के लिए सब दे रही है, फिर भी देख रहे हैं स्कूल छोड़ छोड़ के सब आके यहाँ पे गेहूं के खेत में बाल बीन रहा है, जबकि सब कुछ है इन लोगों के पास। कैसे होती है देख सकते हैं, इतना ज़्यादा धूल गर्दा उठता है, क्या ही बताएं, हालत ख़राब हो जाती है। देख सकते हैं गेहूँ काटता है, काट के डायरेक्ट ही गेहूँ बनाना उधर से करवाओ ना। देख सकते हैं रात का समय हो गया, इसलिए लाइट वाइट जल गया, पूरा चांद देख सकते हैं, चांद पूरा अपने इधर जो है देख सकते हैं, भूसा बन रहा है भैंस के लिए चारा है। ये भी एक 2-3 साल से, 3-4 साल से प्रचलन में आया है हम लोगों के इधर। ये अपना ही खेत है और अपने खेत में भूसा बना रहा है, देख सकते हैं। गर्दा उड़ रहा है यहाँ पे, धूल गर्दा। अभी हम लोग हार्वेस्टर के ऊपर हैं, अभी आधा 1 घंटा और लगेगा।